आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। झालावाड़ जिले के बकानी के बालाजी पार्क में भारतीय किसान संघ के तत्वाधान में कोरोना गाइडलाइन के नियमों की पालना करते हुए तहसील अध्यक्ष मनोहर सिंह चौहान की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। बैठक में वर्तमान तहसील कार्यकारिणी को शून्य किया गया और चुनाव प्रभारी प्रदेश महामंत्री कैलाश गंदौलिया के नेतृत्व में नवीन तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें पुनः तहसील अध्यक्ष के पद पर मनोहर सिंह चौहान और तहसील मंत्री राम बाबू पाटीदार को मनोनीत किया गया। बैठक के पश्चात बालाजी पार्क से वाहन रैली निकालकर तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां तहसीलदार बकानी को जिला कलेक्टर के नाम चार सूत्रीय मांगों का ज्ञापन दिया। ज्ञापन के माध्यम से खरीफ की फसल में पीलापन व कई प्रकार के रोगों के कारण खराब हुई फसलों का सर्वे करवाने और प्राकृतिक आपदा की राशि और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम किसानों के खाते में डलवाने, किसानों के कृषि बिलों में 833 प्रति माह मिलने वाले सब्सिडी को शुरू करने एवं 2018 से 19 का मुआवजा व प्रधानमंत्री फसल बीमा की राशि तुरंत डलवाने तथा सहकारी समिति के द्वारा डिफाल्टर खाता धारकों को भी सहकारी समितियों में कर्ज दिया जाने व सत्यापन की उचित व्यवस्था कराने की मांग को गई। इस दौरान संभाग उपाध्यक्ष जगदीश खाती, जिला अध्यक्ष रघुनाथ, जिला उपाध्यक्ष मनोहर सिंह राठौड़, प्रचार प्रमुख मुकेश मेहर, रायपुर तहसील अध्यक्ष मनोहर लाल दांगी, सहमंत्री किशन पाटीदार, युवा प्रमुख महेश मेहर और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर आपकी राजस्थान से सनी जैन की रिपोर्ट।